सेपरेट ना होकर ये शायद ब्लाइंड है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से है बना हुआ है, क्योंकि कंसेंट्रेट और आइसोलेट दोनों कॉम्बिनेशन से बना है। इसी वजह से इसका जो प्रोटीन स्पाइक है सारी लैब रिपोर्ट में ज्यादा आ रहा है, किसी में 84 जबकि कंपनी क्लेम कर रही 79 अब और इसको, लेकिन इसमें हमेशा ज्यादा आ रहा है क्योंकि एक ये ब्लाइंड है इस वजह से। हेलो गाइस, दिस इज मी लोकेश परेवा, वेलकम टू माय चैनल ऑन लीडिंग टू फिटनेस। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द वे प्रोटीन। आज हम मेरे चैनल पे पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ, वो भी अवतार वे प्रोटीन का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अवतार वे प्रोटीन ही क्यों, क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया, ओपन भी आपके सामने ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ जो इस चैनल पे है ओपन करने के बाद, कि वे प्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ये बनता है, कौन से इसमें फिल्ट्रेशन मेथड यूज होते हैं, ठीक है, और इसमें कितने टाइप के होते हैं और आपके लिए कौन सा सूटेबल है। सो मैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको देने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले हम इसकी अनपैकिंग कर लेते हैं कि अभी तक ये अमेजोन से मैंने मंगवाया है, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे कि पराग बिल फूड लिमिटेड कंपनी की तरफ से शिपिंग हुआ है और ये महाराष्ट्र से आया हमारे पास, ठीक है। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। फाइनली आज मैं पहली बार मेरे चैनल पे एक वे प्रोटीन का रिव्यू कर रहा हूँ, लेट तो बहुत टाइम हो गया, बट दिस इज फर्स्ट टाइम। कुछ पैकेजिंग है, सो पहले इसकी जो पैकेजिंग होती थी वो थोड़ी सी ओल्ड टाइप थी, बट नाउ इट्स न्यू। ओके, सो आप देख रहे हो ये हमारे पास आ गया है। सो अगर गाइस आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और क्लिक द बेल का आइकन, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम ये वीडियो बनाएं किसी भी टाइप का तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन होता क्या है। सो बेसिकली सभी फिटनेस लवर्स का, जो भी चाहे जिम में हो या फिटनेस लवर हो, वे प्रोटीन सबसे पहली पसंद होता है। वे प्रोटीन बनता है मिल्क से, क्योंकि मिल्क से बनने की वजह से ये 100% वेजिटेरियन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि 20% होता है कंप्लीट ऑलमोस्ट मिल्क का। बाकी इसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होता है जो BCAA, जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन की सबसे मॉलिक्यूल है। इसमें बेस्ट लूसीन जो मसल सिंथेसिस के लिए बहुत बेस्ट है। सो अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से बनता है, अब ये प्रोटीन आपको पता चल गया। सो बेसिकली वे प्रोटीन बनता है जो मिल्क फॉर्म यानी कि जो डेयरी फॉर्म होता है वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही दूध मतलब निकला, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली मिल्क के अंदर कुछ इंजाइम्स डाले जाते हैं जिससे ये कर्ड और वे लिक्विड दोनों में अलग अलग हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है। फिर मशीनरी की हेल्प से कर्ड को अलग कर लिया जाता है और वे लिक्विड को अलग कर लिया जाता है। अब कर्ड से ये बनाते हैं चीज और कैसी प्रोटीन, ठीक है। जो लिक्विड वे है, सबसे पहले उसको पैस्टिसाइज किया जाता है, सारे बैक्टीरिया उससे रिमूव किए जाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है फिर उसकी बात करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। अब फिल्ट्रेशन मेथड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, नेचुरल होता है और जैसे आपने सुना होगा क्रॉस फिल्ट्रेशन है, ठीक है, CUF। उसके अलावा आयोन एक्सचेंज जो कि केमिकल के थ्रू होता है, इसके अलावा नेचुरल है, ठीक है। दो तीन फिल्ट्रेशन में बेसिक मेथड होते हैं, अगर इनकी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज मेंशन इन कमेंट, मैं आपको फिल्ट्रेशन मेथड का और जितनी हो सके उतनी डीप इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बाद। सो फिल्ट्रेशन मेथड ही डिपेंड करता है कि आपका प्रोटीन किस टाइप का हो। फिर फिल्ट्रेशन मेथड के बाद जो लिक्विड वे है वो प्रॉपर फ्री हो जाता है, फिर उसको सुखा के यानी ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। फिर वो आपको डब्बों में पैक, अगर ये अनफ्लेवर्ड है तो आपको डब्बों में पैक करके इजीली मिल जाता है। इन केस फ्लेवर्ड है तो उसमें कुछ फ्लेवर, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है। अब बात करते हैं डाइजेशन, तो बेसिकली जिसको मिल्क डाइजेस्ट हो जाता है उसको वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। कुछ केसेस में कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनमें क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं। तो अब तक हमारे इंडिया में हमेशा वे प्रोटीन कहीं भी नहीं बनता था, तो ये क्या करते थे, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये US से या बाहर जो भी कंपनियां बना रही है वहां से इम्पोर्ट करके डब्बों में पैक करके उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड करते थे, साथ में उसमें फ्लेवर ऐड करते थे और आपको पहुँचाते थे। तो 1000 रुपये KG समथिंग अराउंड एक बेसिक है इसका,
1000 रुपये kg ये बाय करते थे और बाकी डब्बों में पैक करके आप लोगों तक पहुंचाते थे। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम जो कि मैंने फर्स्ट देखा है कि पराग लिमिटेड कंपनी है जो कि गोवर्धन घी और बहुत पुरानी कंपनी है। मैं आपको देख रहा हूँ ये इसका वे प्रोटीन का जो ये कंपनी है जहाँ पर जो वे प्रोटीन बनता है। सो बेसिकली पराग लिमिटेड एक डेयरी फार्म है जो कि वे प्रोटीन बना रही है इंडिया के अंदर। तो इनका ये कहना है कि सबसे फ्रेश देते हैं। फ्रेश देने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि 24 आवर के अंदर ये जहाँ से डेयरी फार्म से प्रोटीन बनता है वहीं से ये पैक होकर 24 आवर के अंदर आप लोगों के पास पहुँचा दिया जाता है। तो ये बेस्ट चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं। तो जैसा ही मैंने अभी आपको बताया कि फिल्ट्रेशन मेथड पे ही डिपेंड करता है कि वे प्रोटीन का टाइप कौन सा होगा। बेसिकली तीन टाइप के वे प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन कंसनट्रेट यानी कि WIT WIC, दूसरा होता है आइसोलेट, तीसरा होता है हाइड्रोलाइज। अब वे प्रोटीन जो कंसनट्रेट है इसके अंदर आपको थोड़े बहुत फैट्स और थोड़े बहुत कार्ब्स इजीली मिल जाते हैं क्योंकि ये सस्ता भी आता है, सबसे ज्यादा सजेस्ट इसको ही करते हैं। आइसोलेट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर क्या है कि फैट और कार्ब्स या तो नहीं होते या बहुत कम होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो ज़्यादातर जो लीट पे जा रहे हैं या बड़े बिजनेस हैं वो आइसोलेट ही सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइज, इसमें 99% तक प्रोटीन होता है, कंसनट्रेट में 80% होता है और जो हमारा आइसोलेट है उसमें 90% तक होता है, और जो हाइड्रोलाइज है उसमें 98-99% तक प्रोटीन होता है। बट वो इतना कॉस्टली होता है कि लोग उसको जल्दी से लेते ही नहीं है, तो बेस्ट सब कंसनट्रेट को ही मानते हैं। तो ये तो होगी प्रोटीन की बात। आई होप मैंने प्रोटीन के बारे में ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अब हम बात करते हैं अवतार वे प्रोटीन जो कि हेल्थ सप्लीमेंट है जो हमारे पास अनफ्लेवर्ड के अंदर आया है। सो कंपनी इसमें क्लेम कर रही है कि 29 इसमें ओवरऑल सर्विंग है, 27 ग्राम प्रोटीन मिलता है हर स्कूप में, और इसका जो स्कूप का साइज है वो अराउंड 35 ग्राम के आसपास है एज पर द कंपनी क्लेम जो लेबल पे उन्होंने लिखा हुआ है। BCAA के अंदर आपको 6.1 ग्राम मिल जाएगा और जो अदर अमीनो एसेंशियल एसिड्स हैं एसिड है वो आपको मिल जाएगा 6.1 ग्राम। अब ये जो इन्होंने अमीनोज की दी हुई है ये पर 100 ग्राम पे है, इसको इसके बारे में मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता कि पर सर्विंग का है। सो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो पर 100 ग्राम प्रोटीन पे यानी कि इसमें 1 kg है तो पर 100 ग्राम पे इन्होंने अमीनो एसिड्स बताए गए हैं जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन और बाकी की जो चीज़ें इसके अंदर डाली है, दुनिया भर के एसिड्स है जिसमें ग्लूटामाइन और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि पर 100 ग्राम के अंदर ही इसीलिए आ रहा है। सो अगर मैं कैलरीज की बात करता हूँ तो 141 ग्राम अराउंड इसमें कैलरीज है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांसफर्ड कोलेस्ट्रोल सोडियम टोटल कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम पर स्कूप इजीली। सो ये सारे इसके अमीनो प्रोफाइल होगी। सो इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो अवतार वे प्रोटीन है क्या इसकी खासियत है। सो गाइस जैसा कि मैंने अभी बताया आपको पी और हम शेक करके पी के नहीं दिखाएंगे, हम इसके बारे में कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं कि जैसा कि अवतार एक पराग फूड इंडस्ट्री है जो ये बनाती है, जो काफ़ी प्रेस्टीजियस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके कुछ ये जैसे कि इसमें मेंशन भी है कि गॉर्डन और गो एंड प्राइड एंड काउज ये कुछ बड़ी बड़ी फर्म है जिन आपने नाम बेसिकली सुना होगा, गॉर्डन घी का तो स्पेशली सुना ही होगा, ये सारी एसी की है। सो हम ये बिलीव कर सकते हैं कि पराग फूड कंपनी बहुत बड़ी है तो इसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा डेफिनेटली। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी है और आपको भी जानना चाहिए उनमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल लैब रिपोर्ट टेस्ट मैंने इसके नहीं करवाइए क्योंकि जस्ट आपके सामने ओपन किया है, इनकेस अगर ज़रूरत हो कि आप कमेंट में मेंशन करो तो वो भी करवा देंगे। बट मैंने इसके 5-6 रिपोर्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे देखी है तो उसके अंदर क्या है कि ये जो कंपनी है वो क्लेम करती है अराउंड 79 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप, लेकिन कई बार इस पर 84 आ रहा है, 86 आ रहा है, 89 आ रहा है, कई बार 91 तक भी आ रहा है। तो ये जो प्रोटीन स्पाइक है, ये जो स्पाइक हो रही है ये क्यों हो रही है, माइट भी इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। बट जैसा कि अभी मुझे पता चला कि इसका जो कंपनी है वो ये क्लेम करती है कि कस्टमर को मैक्सिमम प्रोटीन मिले, उस मैक्सिमम प्रोटीन के अंदर ये फिक्स नहीं रहता। तो ठीक है, अगर बाकी कंपनियों की अगर हम लैब टेस्ट करवाते हैं, अगर कोई कंपनी 80% क्लेम करती है उसमें हमें कम मिलता तो इसमें तो ज़्यादा ही मिल रहा, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज की बात करते हैं तो
सबसे पहली बात तो सबसे फ्रेश प्रोटीन इंडिया मेड है, हमें बाहर से जो भी प्रोटीन आ रहा है लोकल के में कोई टेंशन नहीं है, टेस्टिंग इजीली कर सकते हैं, इस पे लेबल दिया हुआ है, ठीक है, आप लेबल देख सकते हो, इससे हम देख सकते हैं। और अभी ये अवतार है तो आई एम नॉट श्योर कि इसकी कोई डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट से मार्केट में आएंगे होगी। उसके अलावा अगर हम इसके सर्विंग साइज की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा इसको पता है इसके अंदर, सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन माइंड में पहले यही आया कि 27 ग्राम कुछ ज़्यादा नहीं होगा एक कंसेंट्रेट के अंदर, तो इसका स्कूप का साइज आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ा साइज है, तो डेफिनेटली 35 ग्राम का अगर साइज हो रहा है तो आना ही है 27 ग्राम। अब हम बात करते हैं जो अमीनो एसिड्स के बारे में, तो अमीनो एसिड्स इसमें मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्होंने पर स्कूप पे मेजर नहीं किया, इन्होंने पर 100 ग्राम पे मेजर किया है, जिसमें लूसिन, आइसोलूसिन, वैलिन जो कि हमारे BCAA के मेन अमीनो एसिड्स है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, बट ये इंक्लूड है पर 100 ग्राम पे, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आपको लेवल दिख जाएगा इजीली यहाँ पर। बट अगर हम इसके ओवरऑल बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है आई थिंक, क्योंकि 1899 रुपीज़ का समथिंग मुझे ये पड़ा, तो जब इंडिया में बन रहा है 24 आवर में फ्लैश भी है, फिर इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, तो ये पराग कंपनी को आई मीन सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा प्राइस होना इट्स नॉट ए गुड फॉर दी मिडिल क्लास ऑफ पीपल, कि हम इंडियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी हमें इतना भी जैसे नैकबैंड प्रो है या फिर एज इट इज़ है इनका प्राइस थोड़ा आपको 100-150 रुपये कम ही मिलेगा, जबकि ये तो बाहर से जर्मनी या यूएस से इम्पोर्ट करते हैं वो प्रोटीन को फिर पैकेजिंग करके डालते हैं, माइट भी इसका जार की क्वालिटी बेस्ट है, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ ओके है, पर थोड़ा सा प्राइस का ऊपर नीचे है। बाकी आप कमेंट में मेंशन करिए कि आपको अगर इसके बारे में कुछ और जानना है, सो बैलेंसी। हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि शायद मैंने वीडियो में मिस कर दी, इसका फिल्ट्रेशन मेथड। सो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फिल्ट्रेशन मेथड जो नेचुरल होते हैं इसमें क्रॉस फिल्टर और माइक्रो फिल्टर होते हैं, सो इसकी जो जो जार पे मेंशन है इन्होंने लिखा है क्रॉस फ्लो अल्ट्रा और माइक्रो फिल्ट्रेशन, जो दोनों ही नेचुरल है। अब इन्होंने लिखा है कि वे प्रोटीन कंसनट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट, तो ये माइट बी कंसनट्रेट ना होकर ये शायद ब्लेंड है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्योंकि कंसनट्रेट और आइसोलेट दोनों कॉम्बिनेशन से बना है, इसी वजह से इसका जो प्रोटीन स्पाइक है सारी लैब रिपोर्ट में ज्यादा आ रहा है, किसी में 84 जबकि कंपनी क्लेम कर रही 79 पर इसको, लेकिन इसमें हमेशा ज्यादा आ रहा है क्योंकि एक ब्लेंड है इस वजह से। सो ऐसी इंफॉर्मेशन के मेरे साथ बने रहिए, और आप बताइए आपको इसके बारे में और क्या जानना है या किसी और चीज के बारे में, प्लीज मेंशन इन कमेंट, आगे मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम नए वीडियोस के साथ ऐसे ही आपसे मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।